आई एम लकी, आपका दोस्त और आपका होस्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे चैनल टिकटैक इंडिया पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टिकटैक इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे हर रोज़ नए नए वीडियोज़ मोबाइल की टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, और आपको पता रहेंगे नई नई अपडेट्स। तो आज का जो वीडियो है, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो दो ऐप्स जो आपके बहुत काम आ सकती हैं, क्योंकि वो एक काम नहीं बहुत सारे काम करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, हो जाते हैं शुरू। तो हमारी पहली ऐप है, उसका नाम है स्मार्ट किट। ये आपको प्ले स्टोर पर ईजिली मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है। इसके जो इसका जो आप देख रहे हैं, ये इसका यूज़र इंटरफेस है, जिसका इंटरफेस है वो काफ़ी सिंपल है, बहुत मिनिमलिस्टिक है। इसमें आपको इतनी सारी ऐप्स मिल जाती हैं जो आपको आपको इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको बहुत सारी ऐप्स जो डाउनलोड करनी चाहिए थी वो नहीं करनी पड़ेंगी, वो आपको सारा काम यही एक ऐप कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इस ऐप में अगर आप देख सकें तो पहला जो ऐप है वो है नोट पैड, ठीक है। इसमें आप नोट्स अपने स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। उसके बाद ट्रांसलेटर है, ट्रांसलेटर में आप किसी भी लैंग्वेज को, मतलब हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, देन आपको अदर बहुत सारी लैंग्वेजेस भी मिल जाती हैं। देखिए जैसे कि ये आपकी आगे हिंदी, हेमोंग, हेमेंगरिन, आइसलैंड, एकलवी, इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, आप उनमें से किसी में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं तीसरी एप्लीकेशन, एक्सरसाइज। ये आपकी एक्सरसाइज को रिकॉर्ड कर लेती है, आपको बता देती है कि आपको कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, तो ये आपको उसके बारे में अवेयरनेस देती रहती है। फिर है आपकी तीसरी ऐप फ्री म्यूज़िक, यहाँ से आप फ्री म्यूज़िक कर सकते हैं। देन फाइल मैनेजर्स का एक इंटीग्रेटेड फाइल मैनेजर है, बेसिक सा है पर हाँ काफ़ी अच्छा भी है, आप देख सकते हैं। ट्रिम ऑडियो, ऑडियो को ट्रिम कर सकते हैं। माइक्रोफोन है, रिकॉर्ड है, देन फ्लैश लाइट है, मिरर का काम भी करती है, मैग्नीफायर है, मैग्नीफायर से आप कोई सी भी चीज़ इसको छोटी से बड़ी में देख सकते हैं इजीली, तो काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है ये भी। देन आप कोई भी कोड स्कैन कर सकते हैं, क्लीनर है, बैटरी सेवर है, स्टॉप वॉच है, चेकलिस्ट है, देन आपके कैलकुलेटिंग कमर्शियल टूल्स भी हैं, अबेकस कैलकुलेटर, करेंसी, देन यूनिट कन्वर्टर, उसके बाद अल्टीमीटर, कंपास, हर्ट आरएम, लेवलर, मैग्नेटिक मैप, प्रोटेक्टर, रूलर, साउंड मीटर, ट्यूनर, स्पीडोमीटर एंड वाइब्रोमीटर। तो ये बेसिक ऐप थी, आप चाहें तो एक बार आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं दूसरी ऐप के बारे में, वो दूसरी ऐप है फू व्यू। ये एक ऐसी ऐप है जो स्लाइड बार का काम करती है। ये देखें आप, मैं होम स्क्रीन पे आ गया हूँ, ये आपको स्लाइड बार दिख रहा होगा यहाँ पे राइट साइड पे। इसमें बेसिकली होता क्या है मैं बताऊँ, आप इसको ज़रा सा लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये आपके शॉर्टकट्स आ जाएंगे, जितनी भी ऐप्स हैं उनके शॉर्टकट्स आ जाएंगे। इनमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी कोई सी भी ऐप इसमें पिन भी कर सकते हैं और अनपिन भी कर सकते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए मैंने सारी सारी ऐप्स दिखा दी आपको, अगर आपको पिन करना है तो इसको आप सीधा से इसको लॉन्ग प्रेस करके ड्रैग करके पिन ऐप्स में ले आएंगे, तो इसमें आप कोई सी भी ऐप पिन कर सकते हैं। ये था इसका एक फीचर। दूसरा फीचर ये है कि आप इसमें पोजीशन में कोई सा भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीसरा है आपका इसका फुल स्क्रीनशॉट, आप इसमें फुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि क्या होता है बेसिकली हम जब फुल स्क्रीनशॉट लेते हैं तो एक वॉल्यूम अप का बटन, देन होम स्क्रीन बटन, ये सब करना पड़ता है, तो ये इससे बहुत ईजी हो जाता है। इसके बाद आपका आता है मल्टीपल स्क्रीनशॉट, इससे आप मल्टीपल स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। देन उसके बाद आपका आता है स्क्रीन रिकॉर्डर, आप मोबाइल की स्क्रीन को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं विद ऑडियो। उसके बाद है आपका रीजनल स्क्रीन रिकॉर्डर, ये काफ़ी अच्छा फीचर है, आप चाहें तो इसको किसी भी मतलब कोई से भी रीजन में स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली बहुत अच्छी है एप्लीकेशन, आप इसको यूज़ कर सकते हैं कहीं से भी कैसे भी आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों यही थी आज की दो ऐप्स, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपको आपका क्या राय है इस एप्लीकेशंस के बारे में मुझे बताने के लिए प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और एक बार और अगर मैं आपको कहूँ तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू माय फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।